एक आदमी जो है वो बुलेट फायर करता है, ठीक है। अब वो जो बुलेट है, समझो ये फिर वही गन और बुलेट वाली प्रॉब्लम, ये गन है। अब मैं पूरा गन तो बनाऊंगा नहीं, इस टाइप का कुछ यहाँ ट्रिगर होता है, तो ये यहाँ से बुलेट फायर होती है, यहाँ से बुलेट आगे जाती है। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, बोलो? जीरो था। बुलेट, ठीक है, बुलेट और गन, यहाँ से जो भी बुलेट बाहर जा रही है, जो भी बुलेट बाहर जा रही है, उन उसकी जो इनिशियल मोमेंटम है बुलेट और गन का, वो दैट इज एक्चुअल जीरो है, ठीक है, समझ रहे ना? इनिशियल मोमेंटम जीरो है और बुलेट का मास 200 ग्राम दिया हुआ है, और बुलेट इधर भी स्पीड से जा रही होगी, और वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कहता है द गन इज ऑफ मास 1 kg, गन बहुत हल्का है यार, 1 kg का गन है, और गन इधर की वेलोसिटी वी से जाएगी, रिक्वायल होती है ना, रिक्वायल होगी, बाई व्हाट वेलोसिटी द गन बैकवर्ड। देखो जब कभी भी फायर करोगे, फायरिंग करोगे, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, किसका? बुलेट और गन का। तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो अगर बुलेट आगे जा रही है तो गन को पीछे जाना जाना ही पड़ेगा यार, गन पीछे जाएगी ही जाएगी, अदरवाइज मोमेंटम जीरो होगा ही नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो उसको हम कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फिनिश, कम कर सकते हैं गन का मास बढ़ा के, ठीक है। तो गन इधर जाएगी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का, बोलो? जीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी अगर जीरो रहे तो लिख लो फाइनल मोमेंटम, बुलेट का फाइनल मोमेंटम मास, बुलेट बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट का मास 200 ग्राम है, तो 10^-3 kg प्लस गन की वेलोसिटी भी, गन का मास 1 है, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से जीरो से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो ये 1 × 5 × 10 = 30 - 1, तो वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो इसका माइनस का मतलब है कि अगर बुलेट इधर जाएगी तो गन को इधर जाना ही होगा, ठीक है, 1 से। अगर बुलेट 5 से जा रही है तो गन कम ही से जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई